हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस कर दें। के लिए जो हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं वो वीडियो हम कैसे बनाएं, उसके लिए सबसे पहले आपको वंडरशेयर एक सॉफ्टवेयर आता है, वंडरशेयर फिल्मोरा, वो आपको इंस्टॉल करना होगा आपको अपने सिस्टम पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। सबसे पहले हम वंडरशेयर फिल्मोरा इंस्टॉल कर लेते हैं सिस्टम में, उसके बाद उसे ऑन करते हैं। विंडोशेयर फिल्मोरा ऑन करने के बाद आपको इसमें दोस्तों दिख रहा होगा मीडिया और यहाँ पे एक इंपोर्ट दिख रहा होगा, इंपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपको इंपोर्ट मीडिया फाइल्स है उस पर क्लिक करना है। इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे लाइक बेल आइकन हो गया, जो बैकग्राउंड इमेज आपको देना है, एंड ये हैंड इंप्रेशन आपको देना है, एंड ये एक मोबाइल का आपको सेलेक्ट कर लीजिए, एक सब्सक्राइब बटन सेलेक्ट कर लीजिए। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे आपको क्लिक कर देना ताकि सारी जो फाइल्स है वो आपकी फाइल्स आके आपके फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में आके इंपोर्ट हो जाते हैं सारे फाइल्स। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ इसमें और ऐड करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें दोस्तों आपको एक MP3 लाइक कि आप जो आपकी ऑडियो है ना, ऑडियो वॉइस जो है, जो हम बोलते हैं, वो ऑडियो वॉइस आप पहले रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको इंपोर्ट करके सॉफ्टवेयर में डाल लें। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे फाइल्स को, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जैसे लाओगे आप इस सेक्शन में जहाँ पे आप मैं फाइल्स इंपोर्ट करूँगा अभी, तो आप MP3 फाइल्स को म्यूज़िक वाले फिल्म में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे, तो देखो दोस्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं ये जो बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज को मैंने ड्रैग किया एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद दोस्तों इस बीच में आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि आपको ना दो चीज़ जो है वो कर लेना है। पहला चीज़ तो कि आपको जो ऑडियो है जो आप बताते हो कि आप सब्सक्रिप्शन के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना है, तो वो एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। दूसरा आपको रिकॉर्ड करना है मोबाइल से ना कि स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर अगर आप चाहो, अगर आपके मोबाइल में रिकॉर्डर है तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड कर लो कि पहले अपने चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हैं, फिर जो बेल आइकन पर क्लिक करते हैं वो आप रिकॉर्ड कर लो। दो चीज़ आप पहले रिकॉर्ड करके अपने सिस्टम पर रख लो। सिस्टम में रखने के बाद वो दो चीज़ें इंपोर्ट करके आप इसमें अपने कर लिया इस सेक्शन में। उसके बाद दोस्तों आपको जो दोस्तों भी आपने देखा, मैंने बैकग्राउंड को इसमें रख दिया है विंडो वन लाइब्रेरी में। और दोस्त अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं इस जो ड्रैग एंड ड्रॉप देख रहा हूँ ना दोस्तों, यहाँ से आप फाइल्स को इजीली कस्टमाइज करने के लिए आप थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकते हो बड़े व्यू में। अब दोस्तों मैंने मोबाइल वाला जो वो है उसको इम्पोर्ट कर लिया, मोबाइल वाला जो स्क्रीन है उसको इंपोर्ट करने के बाद मैंने जो मोबाइल से मैंने रिकॉर्डिंग करी थी उसको जस्ट मोबाइल के नीचे लगा देंगे, ठीक है। जिससे अभी मैं कर्सर को देखता हूँ, देखो बैकग्राउंड में वो चला गया जो सबसे पहले मैंने किया, उससे नीचे मोबाइल आ गया, मोबाइल का इमेज आ गया, उससे नीचे जो मैंने मोबाइल से अपनी रिकॉर्डिंग करी एक वीडियो क्लिप है छोटी सी वो मैंने कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके मोबाइल के स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं दूसरा एक काम, नेक्स्ट काम करूँगा कि जो हाथ वाला इम्प्रेशन है ना, हैंड का जो फिंगर है, उसे उठा के वापस उस वीडियो के नीचे रख लेता हूँ। एंड अब इस हाथ को मैं थोड़ा राइट लेफ्ट कॉलम में थोड़ा अंदर की तरफ करके जब आप हैंड वाले इमेज पे डबल क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, उस पॉपअप में आप सिलेक्ट कर लो जूम आउट, जूम डबल क्लिक इस पर करोगे जूम आउट टू मिडल, या मैं जो बता रहा हूँ ना कर्सर से दोस्तों उसको करेंगे तो आप ओके कर देना। अब मैं आपको एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो दोस्तों ये मेरा हाथ जो है ना वो देखो कहाँ जा रहा है, बीच में जा रहा है, जबकि मुझे इसे लाना है सब्सक्राइब बटन पर, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं सब्सक्राइब बटन पर मुझे इसको लाना है, तो मैं
इसको पहले एडजस्ट करूँगा इस हाथ को, कि ताकि लास्ट में जब मैं सब्सक्रिप्शन बोलूँ तो ये सब्सक्राइब वाले बटन पे जाए। उसके लिए मैं इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखो मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ इसको। इसको पहले दोस्तों हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये देखो मैंने सब्सक्राइब पे जा करके इसको रख दिया है। अब हम ना एक बार दोस्तों फिर से प्ले करके देख चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों मैंने इसको चेक किया बट ये ना वहीं तक जा रहा है। फिर से मैं इसको एडजस्ट करूँगा ताकि सब्सक्राइब वाले बटन पे आए। अभी भी दोस्तों ये सब्सक्राइब वाले बटन पे नहीं जा रहा। मैं इसको हल्का सा आगे और टिल्ट वो करूँगा आगे की ओर, इसको थोड़ा स्लाइड करूँगा। एक बार फिर से प्ले करके चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों ये अभी भी हल्का सा लेफ्ट की साइड आ रहा है। मैं इसको फिर से एडजस्ट करूँगा। हाँ दोस्तों ये अब परफेक्ट है। एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है परफेक्ट है। अब दोस्तों आप जैसा कि देख रहे होगे ये बैकग्राउंड जो है यहाँ आने, ये देखो सब्सक्रिप्शन का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने एक बार हाथ को और लिया बिकॉज मुझे बेल आइकन पे भी बताना है कि बेल आइकन प्रेस करना है। उसके लिए फिर से सेम प्रोसीजर हम इसको करेंगे। फिर से हाथ को लाके उसको थोड़ा उसको रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज के बाद उसको लेफ्ट में लेफ्ट कॉर्नर में ला के इसको रख देंगे। फिर से इसको डबल क्लिक करके हम जूम आउट वो करके फीचर उसमें लगा देंगे ताकि वो जब बेल आइकन मैं बोलूँ तो वो हाथ जो है साइड से लेफ्ट कॉर्नर से निकल करके बेल आइकन के पास आ जाए ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं वो इजीली समझ जाएं कि हमें प्रेस कहाँ पे करना है। ये देखो दोस्तों हाथ मेरा नीचे जा रहा है, मतलब जो एनिमेटेड हैंड है। अब मैं उसको पहले बेल पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों अब हाँ एक मिनट दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखो ये सब्सक्रिप्शन का एकदम ठीक है मेरा। अब हम बेल पे आते हैं। बेल का भी मेरा हाथ एकदम सही नहीं जा रहा है, ये ना उससे थोड़ा बाहर आ रहा है। मैं इसको फिर से इसको थोड़ा कम करके यहाँ कर देता हूँ। इसको पहले फिर से सेट करता हूँ बेल पे, हल्का सा नीचे करके इसको बेल पे सेट करते हैं और इसको यहाँ से हल्का सा क्रॉप कर देते हैं। मेरे ख्याल से अब ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए। देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये एकदम सही है। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, दूसरा हाथ जैसे ही आता है ना दोस्तों बैकग्राउंड वहाँ से हट रहा है। नहीं दोस्तों मैं वहाँ पे एग्जैक्टली एक दूसरी इमेज रखना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं फिर से एक इमेज इंपोर्ट कर लूँगा बैकग्राउंड में। पहले मैं इमेज चेक कर लेता हूँ कुछ इमेज हो मेरे पास भरी हुई है, नहीं तो मुझे फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा या कुछ फिर से कुछ उस टाइप के इमेजेस बनानी होगी। एक काम करता हूँ मैं, मेरे पास कुछ इमेजेस के डाटा भरे हुए हैं, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ पहले। एंड ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो दोस्तों इंपोर्ट करते हैं, कौन सी इमेज लाऊं यहाँ पे। हाँ दोस्त जब मैं इंपोर्ट करूँगा ना, बिकॉज अभी मैंने तीन चार इमेज एक साथ सेलेक्ट किए इसलिए तीन चार इमेज एक साथ आ जाएंगे। तो आप क्या करो सिंगल सिंगल करके आप उसको डिलीट कर सकते हो या एक साथ डिलीट करोगे तो ये चारों डिलीट हो जाएंगे। इसलिए ये इमेज ठीक है। इस इमेज को मैं अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ तक ला देता हूँ। अब नीचे और दिखाओ दोस्त, मेरा जो हैंड वाला वो है वो थोड़ा सा आगे खिसक गया है। इसको दोस्तों मैं वापस पहले हैंड को यहाँ पे ले आता हूँ, ये परफेक्ट होगा दोस्तों। इस तरह आप बैकग्राउंड अपना इमेजेस भी चेक कर चेंज कर सकते हो या आप बैकग्राउंड में इमेज में कुछ भी लगा सकते हो, वट एवर यू वांट। अब ये आपका पूरी तरह से तैयार है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा नया वीडियो है और मैं बिल्कुल नया हूँ यूट्यूब पे। मुझे पता है बहुत सारी कमियाँ होंगी, जो भी कमी आपको दिखती है दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पे लिखें मेरी कमियों को, लिखें, गाली मत देना जो भी है, बस ओपनली बताना कि भाई ये कमी है। मैं डेफिनेटली उस कमी को नेक्स्ट वीडियो में दूर करूँगा। एंड आपको और भी कुछ टॉपिक्स पे चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं।
इस वंडर्स एयर फिल्मोरा जो सॉफ्टवेयर है, अगर इसके बारे में आपको कुछ जानना हो या कुछ ट्यूटोरियल, अगर आपको कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसको दोस्तों एडजस्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है। तो ये मैंने बताया आपको इस वीडियो के थ्रू कि हम कैसे अपना इंट्रो बनाते हैं, इससे दोस्तों डेफिनेटली आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे, आपकी वीडियोस को व्यू भी ज़्यादा होगा। ये चीज़ ऑब्वियसली थोड़ा सा इम्पोर्टेंस तो रखता है, और हर यूट्यूबर जरूर चाहता होगा कि भाई मेरा भी एक इंट्रो हो, अच्छा इंट्रो हो। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये भी अब कंप्लीटेड है, और मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये ठीक है। अब दोस्तों फाइनली अब हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करोगे आप, बस एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। ओरिजिनली वैसे तो मैं आईफोन का ही सिलेक्ट करता हूँ, डिवाइस आईफोन सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज इसमें क्लियरिटी और वो अच्छी आ जाती है। ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। ये देखिए दोस्तों, आप फाइंड टारगेट पे जब क्लिक करोगे तो ये आपका वीडियो यहाँ पे आ गया, फिर माय वीडियो पे। एक बार इसको ओपन करके भी हम आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए आपका वीडियो पूरी तरह से बन चुका है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें एंड बेल आइकन पे प्रेस करें। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपसे मिलूंगा अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।